सिलेनियम क्या है और आपको इसकी जरूरत क्यों है। ये सच है, जब बात न्यूट्रिशन की हो तो हेल्दी खाना कई बार ऐसे टेस्ट की तरह होता है जिसके लिए हमने कभी पढ़ाई ही नहीं की। ये कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका नाम कभी हमने सुना ही नहीं, मुझे अपनी डाइट में इसे ज्यादा खाना चाहिए या कम। बेस्टी के हमारे राइटर्स आपके लिए चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए उत्सुक थे और चाहते थे आपको आपके मील प्लान पर एक क्रैश कोर्स दिया जाए जिसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशन फैक्ट्स हों जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ही ना हो। क्या कभी आपसे किसी ने पूछा है कि आपको अपनी डाइट में पर्याप्त सेलेनियम मिल रहा है या नहीं? आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये सेलेनियम आखिर कौन सी बला है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज हम आपको सेलेनियम नामक मिनरल के बारे में बताएंगे और ये भी कि आपको इसकी जरूरत क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस और कंटेंट का रिकमेंडेड डेली इनटेक मिलता रहे। अगर आपने सेलेनियम के बारे में पहली बार ही सुना है तो आपको बता दें, ये अज्ञात छोटा सा मिनरल हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। हालांकि आपको इस मिनरल को बहुत छोटी छोटी मात्रा में लेना पड़ता है, लेकिन ये सेलेनियम आपके शरीर के अलग अलग फंक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छी खबर ये है कि सेलेनियम बहुत तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी एक हेल्दी डाइट में सेलेनियम को शामिल करना बहुत आसान काम है। जिन खाद्य पदार्थों में सेलेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है चिकन और अंडे, और साथ ही कई तरह के सी फूड जैसे सार्डीन्स, हैलिबट, येलोफिन टूना और ऑयस्टर्स। अगर आप मांस नहीं खाते तो आपको कई प्लांट और फंगस बेस्ड फूड्स जैसे शिताकी मशरूम्स, सूरजमुखी के बीज और खास तौर पर ब्राजील नट्स में ढेर सारा सेलेनियम मिल सकता है। यहाँ तक कि 5 ग्राम ब्राजील नट्स में आपके पूरे दिन की सेलेनियम इनटेक का लगभग 140% पाया जाता है। एक गौरतलब बात यह है कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज में सेलेनियम की मात्रा इस पर निर्भर करती है कि जिस मिट्टी में वो पौधे उगाए गए थे उसमें कितना सेलेनियम था। यही वजह है कि आपके खाने में मौजूद सेलेनियम की मात्रा इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है कि वो खाना कहाँ उगाया गया और उसकी खेती कहाँ हुई। क्योंकि खाद्य पदार्थों में मौजूद सेलेनियम की मात्रा काफी वैरी करती है, तो हेल्थ लाइन की डायटिशियन जिलियन कुबाला कहती हैं कि ये बहुत जरूरी है आप इस बात पर ध्यान दें कि आपकी डाइट काफी वैरीड हो, ताकि आपको अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों और सोर्सेस से रोजाना के सेलेनियम की मात्रा मिल सके। अब हम जान गए हैं कि सेलेनियम को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, लेकिन अभी हमें इस बात का जवाब नहीं मिला है कि सेलेनियम इतना जरूरी क्यों है। तो जवाब ये है कि सेलेनियम का हेल्दी इनटेक आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। सेलेनियम एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो आपके शरीर के सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। हालांकि फ्री रेडिकल्स के अपने महत्वपूर्ण हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जिन लोगों के शरीर में सिगरेट, शराब पीने और तनाव की वजह से बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें कुछ बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अतिरिक्त फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जरिए आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को मैनेजेबल लेवल्स पर रखकर ये खतरे कम करने में मदद करते हैं। इस तरह से वो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल डैमेज को कम करते हैं जो ये रेडिकल्स बड़ी संख्या में पैदा करते हैं। आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खतरा कम करने में मदद करके सेलेनियम आपको कई अलग अलग बीमारियों और अनचाहे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के ऑनसेट से भी बचाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने जैसी स्थितियों के खतरे को कम करने के साथ ही सेलेनियम कुछ तरह के कैंसर के खतरे को कम करने में भी मदद करता है। लगभग 70 अलग अलग स्टडीज जिसमें लगभग 3.5 लाख पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, उनके रिसर्चर्स का मानना है कि इंसान के खून में सेलेनियम की ज्यादा मात्रा से स्तन, फेफड़ों, कोलन और प्रोस्टेट जैसे कई तरह के कैंसर से बचाव होता है। साथ ही अन्य स्टडीज से पता चला है कि ओरल सेलेनियम सप्लीमेंट से कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी करा रहे मरीजों के साइड इफेक्ट्स में कमी आती है। अपनी डाइट में सेलेनियम की हेल्दी मात्रा लेने से आपके शरीर का दिल की बीमारियों से बचाव होता है और दिल की ओवरऑल सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। 25 अलग अलग ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अनुसार
शरीर के सिलेनियम लेवल्स को 50% से बढ़ाने पर आपको कोरोनरी आर्टरी बीमारी होने का खतरा 24% तक कम हो सकता है। सिलेनियम आपके शरीर की सूजन को भी कम करता है, जो दिल की बीमारी के खतरे में बहुत बड़ा योगदान देती है। सिलेनियम से अल्जाइमर्स बीमारी होने से भी बचाव होता है। ये बीमारी अमेरिका में होने वाली मौतों की एक बड़ी वजह है, क्योंकि अल्जाइमर्स जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माना जाता है। इसलिए सिलेनियम के हेल्दी इनटेक से अल्जाइमर्स जैसी स्थिति पैदा होने और बढ़ने का खतरा कम हो सकता है। कुछ स्टडीज के अनुसार खाने और सप्लीमेंट्स दोनों के जरिए सिलेनियम का इनटेक बढ़ाने से अल्जाइमर्स के मरीजों की याददाश्त सुधारने में मदद मिल सकती है। अगर शरीर के थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करवाना हो तो भी सिलेनियम एक जरूरी पोषक तत्व है। थायराइड ग्लैंड आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके शरीर की तरक्की और विकास को नियंत्रित करता है। कुछ स्टडीज के अनुसार सिलेनियम की हेल्दी खुराक से ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी स्थितियों और बीमारियों का खतरा कम होने में मदद मिलती है। साथ ही सिलेनियम आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है और अस्थमा से जुड़े लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकता है। एक हालिया स्टडी के अनुसार दमे के मरीजों की डाइट में सिलेनियम का हेल्दी इंटेक शामिल करने पर उनके लंग फंक्शन में सुधार देखने को मिला। बेशक सिलेनियम बहुत फायदेमंद नजर आता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे बहुत ज्यादा ना लें। सिलेनियम को हेल्दी मॉडरेट मात्रा में लेने से सेहत को काफी फायदे पहुँचते हैं, लेकिन डाइट में बहुत ज्यादा सिलेनियम लेने से उल्टा असर पड़ सकता है। हेल्थ लाइन के अनुसार सिलेनियम की ज्यादा मात्रा जानलेवा भी साबित हो सकती है। सिलेनियम टॉक्सिसिटी नाम की ये कंडीशन काफी रेयर है, लेकिन अपने सिलेनियम इनटेक को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि गलती से भी आपके शरीर में ये बहुत ज्यादा ना चला जाए। सिलेनियम टॉक्सिसिटी का खतरा तब पैदा होता है जब आप सिलेनियम युक्त चीजें खाने की बजाय सप्लीमेंट्स लेते हैं। सिलेनियम टॉक्सिसिटी के लक्षणों में बाल झड़ना, चक्कर आना, जी मचलना, उल्टी, चेहरा लाल होना, झटके आना और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं। खास तौर पर गंभीर मामलों में अक्यूट सिलेनियम टॉक्सिसिटी से संभावित तौर पर ज्यादा सीरियस डेवलपमेंट्स जैसे इंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, दिल का दौरा, किडनी खराब होना और मौत भी हो सकती है। तो बस इतना ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा सिलेनियम शामिल ना करें। हेल्दी डाइट को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर एक इनसाइड एज रखने से आप अपने मील प्लान को मैनेज करना थोड़ा आसान बना सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि कई बार हेल्दी और न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम होते हैं। क्या आपको ये वीडियो मददगार या इन्फॉर्मेटिव लगा? क्या आपको लगता है कि हम कुछ जरूरी बात बताना भूल गए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।